शिक्षा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ बहुत ही आसान सी रेमेडीज जिसे आप घर बैठकर ही बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि घर पर आप नाइट क्रीम कैसे बना सकते हैं। मार्केट में कई तरह की नाइट क्रीम्स अवेलेबल हैं, पर हम आज घर पर एक नाइट क्रीम बनाने वाले हैं जिससे आपकी स्किन कोमल, मुलायम और सुंदर बन जाएगी। इस नाइट क्रीम के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये 100% नेचुरल है, जिसके वजह से आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके स्किन पर इसका कहीं बुरा असर ना पड़ जाए, क्योंकि इस नाइट क्रीम के सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही आप पाएंगे। और वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी दबा लीजिए, क्योंकि इससे आपको मैं जब भी नए वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपके फ़ोन पर इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो पहला नाइट क्रीम है जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, चंदन, रोज वाटर और बादाम का तेल। चंदन में स्किन वाइटनिंग और स्किन मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके वजह से ये आपके स्किन टोन को लाइट करता है। एलोवेरा जेल आपके स्किन को ठंडक देता है और ये आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखने में भी मदद करता है। रोज़ वाटर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये आपके चेहरे पर एक नेचुरल टोनर का काम करता है। और बादाम के तेल में स्किन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन ई होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन कोमल, मुलायम और एकदम हेल्दी रहती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप एक बोल ले लीजिए। उस बोल में आप 1 से 1.5 चम्मच चंदन पाउडर डाल दीजिए। तो एक बोल में आप सबसे पहले 1.5 चम्मच चंदन पाउडर ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दीजिए और 1/2 चम्मच बादाम का तेल। अब इसमें धीरे धीरे से 1/2 चम्मच रोज वाटर मिलाइए और इसकी पेस्ट की तरह कंसिस्टेंसी होने तक आप इसे मिलाते रहिए। इसका अच्छे से मिक्स करने के बाद एक क्रीम बन जाएगा। आप इस क्रीम को कोई अच्छे से साफ कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकती हैं। स्टोर करने के लिए आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें। इस नाइट क्रीम को आपको रोजाना रात को सोते समय आपके चेहरे पर लगा लेना है और इसे रात भर के लिए अपने चेहरे पर ही रख दीजिए। इससे आपकी त्वचा मॉइस्चराइज हो जाएगी और आपकी स्किन अगर डैमेज्ड है तो उसे रात भर रिपेयर होने के लिए भी समय मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नाइट क्रीम की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है दूध की मलाई, ऑलिव ऑयल, ग्लिसरीन और रोज वाटर। ये चारों चीजें हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि दूध की मलाई में लैक्टिक एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं और इसमें स्किन मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। दूध में लैक्टिक एसिड होने के कारण अगर आपके स्किन पर दाग धब्बे हैं या फिर पिंपल्स चले गए हैं पर उनके दाग अगर पीछे रह गए हैं तो आपको दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दूध इस सब दागों को हटा देता है। ऑलिव ऑयल भी आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है और रोज वाटर, जैसे मैंने पहले भी बोला, एक नेचुरल टोनर होता है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्लिसरीन में भी एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं, ये आपके सारे स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो इस नाइट क्रीम को बनाने के लिए आपको लेना है 1.5 से 2 चम्मच दूध की थिक मलाई, उसमें आप डाल दीजिए 1/2 चम्मच ऑलिव ऑयल, 1/2 चम्मच रोज वाटर और 1/2 चम्मच ग्लिसरीन। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे क्रीम की कंसिस्टेंसी दे। अगर आपका क्रीम ज़्यादा पतला लग रहा है तो आप इसमें ज़्यादा दूध की मलाई भी ऐड कर सकती हैं। इस क्रीम को आप 7 दिनों के लिए आपके फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकती हैं। इसे आप रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन में अच्छा बदलाव आपको जल्द ही दिखे। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 2 तरीके घर पर ही नाइट क्रीम बनाने के। अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी दबा लीजिए। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ टिप्स और रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।